सो ये है दी ऑल न्यू R15M का कार्बन फाइबर एडिशन। आप लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि यार ये डीलरशिप में कब आएगा, बट अब फाइनली ये जो बाइक है वो डीलरशिप में आनी स्टार्ट हो चुकी है। और ऑटो एक्सपो में भी आपने इस बाइक को जरूर देखा होगा, बट अब फाइनली ये डीलरशिप में आनी स्टार्ट हो चुकी है। और आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चेंजेस अब कार्बन फाइबर एडिशन में मिलने वाले हैं, डिज़ाइन वाइज क्या क्या चेंजेस मिलेंगे और प्राइस का कितना डिफरेंस मिलेगा, उन सभी चीज़ों की बातें इस वीडियो में डिटेल में करने वाला हूँ मैं। तो जल्दी से करते हैं इस बाइक का एक डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू। सबसे पहले अगर मैं बात करूं डिज़ाइनर लुक्स की, तो डिज़ाइनर लुक्स वाइज यहाँ पे यहाँ मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं और नीड भी नहीं है, क्योंकि बाइक जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है लुक और डिज़ाइन वाइज। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे चेंजेस की, तो चेंजेस जो हैं वो आपको यहाँ पे कॉस्मेटिक वाइज ही मिलने वाले हैं। कार्बन फिनिशिंग अब आपको यहाँ पे फेयरिंग वाइज मिलेगी। प्राइसिंग की पहले बात कर लेते हैं, तो प्राइसिंग जो है वो अब आपको 10,000 के करीब जो इसका मेटेलिक वाइट कलर पहले आता था उसके कंपेयर में 10,000 के करीब एक्स्ट्रा अब यहाँ पे आपको पे करने पड़ेंगे। और ऑन रोड प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ, तो इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस है वो 2,39,000 के करीब अब आपको दिल्ली NCR में मिलने वाला है, यानी कि अब एक्स शोरूम जो रहेगा वो 2,08,000 के करीब इस बाइक का अब आपको मिलेगा। सो कार्बन फिनिशिंग में क्या स्पेशल मिलने वाला है, जल्दी से करते हैं बात। सो पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फेयरिंग की, तो जो फेयरिंग है ना वो आपको यहाँ पे कार्बन फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होगी और अच्छी खासी आप प्रीमियमनेस जो है ना वो यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है। बाकी साइड मिरर जो हैं वो आपको यहाँ पे कुछ पहले की तरह ही स्पोर्टिंग मिलेंगे, तो ये जो पोर्शन है वो आपको पूरा कार्बन फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होगा। इस साइड में थोड़ा सा ब्लैक फिनिशिंग का यूज़ किया गया है। यामा की स्टिकरी मिलेगी, नंबर प्लेट का ब्रैकेट मिलने वाला है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक के साथ अब जो कार्बन फाइबर एडिशन है वो मिलेगा। बाकी अगर आप यहाँ पे देखोगे ना DRLs को, तो DRLs जो है वो भी आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं। LED DRLs यहाँ पे अवेलेबल होंगे। डिज़ाइन कुछ पहले जैसा ही मिलेगा। बाकी मिडल में आपको मिलेगा सिंगल बीम प्रोजेक्टर सेटअप बाई फंक्शनल डिस्प्ले के साथ अवेलेबल होगा। तो बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है अब कार्बन फाइबर एडिशन में, ये पूरी चीज़ कवर कर लेती है। और इस साइड में भी अगर आप आओगे ना, तो ये पूरी चीज़ कार्बन फाइबर फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होगी। यहाँ पे आपको R15M की स्टिकरिंग जो मिलेगी वो आपको ब्लू और ब्लैक फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होगा। और छोटा सा आपको क्विक शिफ्टर जो है वो भी मैंशनिंग यहाँ पे मिलने वाली है। मैकेनिकल एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं 37mm डायल के KYB के गोल्डन USD फोक्स, जो आपको R15M के मेटेलिक वाइट कलर में मिलते थे। बाकी फ्रंट फेंडर जो है वो आपको फुल ब्लैकआउट मिलेगा। पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होगा। टायर सेक्शन की अगर मैं बात करूँ, तो 100x80 का टायर सेक्शन फ्रंट साइड में मिलेगा। ब्रेकिंग सिस्टम जो है उसमें भी कोई भी चेंजेस नहीं मिलेंगे। 282mm के आपको फ्रंट में डिस्क साइज मिलेगी। बाई बैरी के कैलिपर्स मिलने वाले हैं और ड्यू चैनल ABS के साथ जो ये बाइक है वो पहले भी मिलती थी और अभी भी अवेलेबल होने वाली है। तो मेन जो अट्रैक्शन पॉइंट है वो है कार्बन फाइबर की फिनिशिंग। ये पूरी चीज़ आपको कार्बन फाइबर फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होगी। इस साइड में थोड़ा सा सिल्वर जो फिनिशिंग है उसका कॉम्बिनेशन यहाँ पे अवेलेबल होगा। यामा की स्टिकरी मिलेगी। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आपको मिलने वाली 170mm की ग्राउंड क्लियरेंस। बाकी साइड इंडिकेटर जो है वो यहाँ पे LED अवेलेबल होंगे। विजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ, तो विजिबिलिटी जो है वो भी आपको कुछ इस टाइप की मिलेगी। तो 170mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी। फ्यूल टैंक जो है वो आपको 11 लीटर की कैपेसिटी के साथ अवेलेबल होगा और सिल्वर फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होगा। यहाँ पे आपको यामा को जो लोगो है वो क्रोम फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होने वाला है। और छोटे से यहाँ पे आपको जो स्टिप्स हैं वो ब्लू फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होंगी। टॉप से जो फ्यूल टैंक है वो मिलेगा कुछ इस टाइप का। तो यहाँ पे आपको शाइनिंग ब्लैक कलर मिल जाता है। R15M की यहाँ पे आपको बैजिंग मिलेगी क्रोम फिनिशिंग के साथ। तो डिज़ाइन जो है ना वो पहले की तरह ही मिलेगा, बट यहाँ पे जो कार्बन फिनिशिंग है वो कुछ इस टाइप की अब अवेलेबल होगी। अब अगर मैं बात करूँ ना यहाँ पे चेंजेस की, तो जो चेंजेस हैं वो आपको इसके मीटर कंसोल में मिलेंगे। तो पहले मीटर कंसोल को मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा रहेगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा R1 इंस्पायर्ड जो मीटर कंसोल है वो मिलने वाला है TFT डिस्प्ले के साथ। तो अच्छा खासा बड़ा साइज़ का जो डिस्प्ले है ना वो अवेलेबल होने वाला है। फीचर्स की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आपको मिलेगा गियर पोजीशन इंडिकेटर वो मिलने वाला है, क्विक शिफ्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्लॉक इंडिकेशन मिलेगी, टैकोमीटर्स की डिटेल्स यहाँ पे मिलेगी, स्पीडोमीटर्स की डिटेल्स यहाँ पे मिलने वाली है। बाकी साइड में आपको मिलेगी फ्यूल की इंडिकेशन। तो मीटर कंसोल ना काफ़ी अच्छी खासी विजिबिलिटी के साथ अवेलेबल हो जाता है। इस साइड में आपको मिलने वाली है ट्रिप मीटर्स की डिटेल्स और यहाँ पर आपको मिलेगी इससे रिलेटेड जो इंडिकेशंस है वो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो इस बटन की हेल्प से आप फ्यूल ट्रिप, करंट फ्यूल, एवरेज स्पीड, ये सारी चीज़ आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। बाकी इस साइड में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा होम का बटन। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली होम पे आ सकते हो। बाकी इस बटन को अगर आप प्रेस करते हो, तो ट्रिप मीटर्स की डिटेल्स मिलने वाली है, ट्रिप ओडोमीटर्स, ट्रिप, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। बाकी इस साइड अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे अच्छा खासा जो मीटर कंसोल का मेन जो चीज़ है ना वो है यहाँ पे। यहाँ पे आपको मिल जाता है मेन्यू का बटन, म्यूज़िक कंट्रोल यहाँ पे अब ऐड ऑन हुआ है, नेविगेशन यहाँ पे अभी ऐड ऑन हुआ है जिससे इस बाइक का जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हुआ है, और नोटिफिकेशंस मिलने वाली हैं, कॉल और मैसेज की जो नोटिफिकेशंस हैं वो भी जिससे यहाँ पे आपको अवेलेबल होंगी, वेदर की भी जो नोटिफिकेशन है वो भी मिलेगी और मेन्यू का बटन। बाकी म्यूज़िक भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। तो नेविगेशन मिल जाता है, नोटिफिकेशन और क्या चीज़ें हैं यहाँ पर जो मिल जाती हैं आपको। बाकी मेन्यू में अगर आप जाते हो,
तो मेन्यू में देखते हैं क्या क्या यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग मिलेगी। डिस्प्ले सेटिंग में एक बार चेकआउट कर लेते हैं। ब्राइटनेस को आप कम ज़्यादा कर सकते हो, कलर जो है वो आप यहाँ पे चेंज कर पाओगे। बाकी लैप टाइम भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन ऑफ कर सकते हो, सिस्टम की सेटिंग्स यहाँ पे आप कर सकते हो, जिसमें आप क्लॉक, अपना नाम, अपना नंबर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी इस साइड में आपको मिल जाता है होम का बटन, तो यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हो। इस साइड में आपको मिलेगा 1000 स्विच, बाकी पास का जो स्विच है वो भी मिलने वाला है, बाकी साइड इंडिकेटर्स का ऐसा, हॉर्न का भी ऐसा बटन मिलेगा। इस साइड में आपको मिलेगा इंजन किल स्विच, और यहाँ पर आपको मिलने वाला है सेल्फ स्टार्ट का बटन। अब इंजन किल स्विच में भी ना थोड़े से चेंजेस यहाँ पे किए हैं, पहले 3 ऑप्शन मिलते थे, बट यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं ओनली 2 ऑप्शन, तो ये थोड़े चेंजेस यहाँ पर अवेलेबल होंगे। बाकी की का जो डिज़ाइन है वो आपको पहले एक तरह ही मिलेगा, R15 की आपको मैचिंग मिलने वाली है। सीट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिलती है 815 mm की सीट हाइट, और यहाँ पर भी कार्बन फिनिशिंग का जो यूज़ है वो किया गया है। मिड पैनल में चेकआउट कर लेते हैं कि कुछ चेंजेस हैं या नहीं, तो मिड पैनल जो है वो आपको मैट फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होगा। रियर पैनल्स की तरफ अगर आप जाओगे ना तो यहाँ पे भी कार्बन फिनिशिंग का यूज़ किया गया है। बाकी वीवे की जो स्टिकरिंग है वो जस्ट यहाँ पर आपको मिलने वाली है। एग्जॉस्ट नोट जो है वो भी आपको पहले की तरह ही मिलेगा, सिल्वर और ब्लैक का कॉम्बिनेशन यहाँ पर अवेलेबल होगा। इंजन स्पेक्स और परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो इंजन स्पेक्स और परफॉर्मेंस वाइज यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। 155 cc का सिंगल सिलेंडर XOSC 4-valve इंजन यहाँ पर अवेलेबल होगा। परफॉर्मेंस फिगर्स जो है ना वो इस बाइक के सबसे ज़्यादा हैं। अगर आप 150 cc कैटेगरी में जा रहे हो तो सबसे ज़्यादा पावर और टॉर्क जनरेट वाली बाइक आपको 150 cc कैटेगरी में यामा R15 मिल जाती है। ये जो बाइक है वो 18.4 PS की पावर और 14.2 Nm का जो मैक्सिमम टॉर्क है वो जनरेट करती है। बाकी 6-speed गेयरबॉक्स मिलेगा, क्विक शिफ्टर मिलेगा, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलेगा, तो एडवांस फीचर्स के साथ डेफिनेटली जो बाइक है वो लेस आपको मिल जाती है। रियर साइड में अगर मैं बात करूँ टायर सेक्शन की तो 140/60 का MRF टायर यहाँ पे अवेलेबल होगा, रेडियल टायर्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे। रियर साइड में आपको मिलेगी 220 mm की डिस्क साइज़। बाकी एल्यूमिनियम स्विंग आर्म जो है वो आपको पहले की तरह ही मिलने वाली है। बाई बैरिक आपको ब्रेक कैलिपर्स मिलने वाले हैं, रेडियल टायर्स अवेलेबल होंगे। रियर की जो प्रोफाइल है वो आपको पहले की तरह ही मिलेगी, LED लाइट मिल जाती है अच्छे खास स्पोर्टेड डिजाइनिंग के साथ। बाकी रियर का जो पोर्शन है वो कुछ इस टाइप का अब अवेलेबल होगा। तो प्राइसिंग जो है वो 10,000 के करीब यहाँ पे यामा ने R15 M के कार्बन फाइबर एडिशन में बढ़ा दिया है। तो 10,000 में आपको जो कार्बन फिनिशिंग है वो मिलेगी, म्यूज़िक कंट्रोल मिलने वाला है, और नेविगेशन जो है वो भी अब यहाँ पे आपको अवेलेबल होगा। तो बाइक कैसे लग रही है डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आप इस प्राइस तक पे इस बाइक को लेना चाहोगे या नहीं उसका भी रिप्लाई डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना। सो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।